काम से मैं हिसार गया हुआ था, तब कोई ऐसे डेमो दिखा रहा था वहां पे, तो मैंने डेमो देखा और डेमो देखते ही मेरे को लगा कुछ तो है। तो हमारे जो ये प्रोडक्ट मेरी जिंदगी में लेके आए मंजीत जी राणा, तो उनको सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रोडक्ट के साथ मेरे परिवार, मेरे जो माता पिता है उनकी जिंदगी में भी एक अच्छा लेके आए और मेरे प्रोफेशन के अंदर भी बहुत बड़ा चेंज लेके आए। तो मैं सबसे पहले इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जब मैंने डेमो देखा तो हमेशा नई चीज सीखने की सोचता था भी, कोई भी चीज मिल जाए उसके बारे में मैं जानना चाहता था, हर चीज नहीं सीखना चाहता था। तो मैंने उसको देखा और सीखना चाहा भी ऐसा क्या है, तो इन्होंने बोला ऐसे ऐसे पानी है और पानी से ये हो जाता है। तो मेंटेलिटी है कि पानी से ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जब भी पानी के बारे में समझा उसको, यूट्यूब गूगल, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास यूट्यूब गूगल ही है और कुछ नहीं है हमारे पास जानने के लिए, या फिर हम घरवालों से पूछते हैं मम्मी से, मम्मी 3 लाख की मशीनें ले लें क्या, तो मम्मी बोलेगी बेटा कुछ नहीं करना, 3 लाख की मशीन आया करेगी। तो हमारे पास वही गूगल होता है क्योंकि हमारे पास खुद की अक्ल नहीं है। ज्यादातर लोग क्या होते हैं उस इंसान से बात पूछते हैं जिनको पता ही नहीं होता उस चीज के बारे में। डेमो देखा मैंने, देखा उस चीज का, उस पानी में कितना दम है वो मैंने देखा, पर हम जाके घरवालों से पूछते हैं कि ये मशीन ले ले क्या, तो वो मैं कभी नहीं ले पाता क्योंकि मेरे माता पिता उस 3 लाख की मशीन को कभी लेने नहीं देते। तो जब भी मैंने डिसीजन लेना मेरे को कुछ करना है तो मेरे को करना है क्योंकि मैं उस चीज के बारे में जानता हूँ वो क्या है। तो जब भी उसको स्टडी करना स्टार्ट किया तो और चीजें निकल के आई। और मैंने एक ही बात बोली थी भी, यदि पानी से ही आप कर रहे हो, यदि यही पानी ये रंग ही बदल रहा है तो कुछ तो है, ऐसे तो खाली पानी रंग नहीं बदलेगा। तो जब मैंने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया तो रियल में पानी ही रंग बदल रहा था। तो मैंने बोला भी ये मशीन लेनी है, और जिससे मैंने मशीन ली उन्होंने बताया कि एक बिजनेस है इसके अंदर, हर घर तक ये मशीन आप पहुंचा सकते हैं। मैंने बोला ये तो बात की बातें हैं, पहले मेरे को मशीन लेनी है, यदि मशीन में दम होगा तो हमने बड़ी बड़ी चीजों को हर घर तक पहुंचाई है, इसको भी पहुंचा देंगे। तो जब ये प्रोडक्ट मेरे घर पे लगा तो बता देता हूँ, मैंने एक ही बात बोली थी, मेरे घर पे यदि ये प्रोडक्ट काम कर गया तो सारी दुनिया के कर जाएगा। तो मेरे घर पे मम्मी को 20 साल से वो काफी बीमार है, उनका सिर दर्द रहता था, खारा मुंह रहता था, वो उस समय तो सिर दर्द था जैसे आज किसी को एसिडिटी बनती है, वो पिस्टामोल ले लेता है और वो एक दिन जाके कुछ बड़ी बीमारी बन जाती है। ऐसे ही आज से 20 साल से मम्मी पिताजी भी गोली खा रहे थे सरकारी हॉस्पिटल में, कब तक प्राइवेट में जाएंगे, 20 सालों से गोली खा रहे हैं, जब तक मैं देखता आ रहा हूँ। तो वो सरकारी वाली गोलियां लेके आते थे फ्री वाली और खाते रहते थे। तो बाद के अंदर जाके 5-6 साल से पहले मम्मी को सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया, हर तीसरे दिन दर्द होने लगता, तीसरे दिन। तो उनको मैं जयपुर लेके गया, उनको दिखाया भी, उसका पूरा स्कैनिंग किया दिमाग का, पूरी बॉडी का भी क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अलग अलग ट्रीटमेंट दिए, कोई भी इलाज नहीं हुआ। तो वो सिर दर्द तो माइग्रेन बन ही गया, डॉक्टरों से कोई इलाज नहीं हुआ। बाद के अंदर उनको धीरे धीरे ज्वाइंट पेन हो गया, जोड़ दर्द करने लगे सारे। तो बाद के अंदर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग इनको रिमोटेड अर्थराइटिस है और अभी गोली लीजिए ठीक हो जाएगा। तो तब तो उन्होंने 3 साल पहले तो बोला ठीक हो जाएगा, पर अब जाके बोले जी ये तो सारी उम्र ही गोली खानी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है, जो गंठिया है इसका कोई इलाज नहीं है, सारी उम्र आपको गोली खानी पड़ेगी। पर मैंने भी यही सोचा भी सारी उम्र गोली तो खानी है। तो मैं जब भी शनिवार संडे घर जाता तो मम्मी बोलती भी दवाई नहीं लगी, अभी कोई और डॉक्टर देख लेते हैं, इसकी दवाई नहीं लगी। तो स्वाभाविक हमारे घर वाले ऐसे ही बोलते हैं जब, पर मैं, मेरे को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, मैं यहाँ अपनी जॉब कर रहा हूँ, अपने घर में बीमार पड़े और मैं, मेरे पास भी कोई इलाज नहीं था। हर संडे को, सैटरडे को, मैं शनिवार को जाता तो मम्मी बोलती भी डॉक्टर बदलना है, तो मैं ये बोलता अगले हफ्ते आएंगे, अभी काम ज्यादा है, तब डॉक्टर बदलेंगे, कोई नए से दवाई देंगे। पर मैं एक बात बता दूं कि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया पर मैं उनको ठीक नहीं कर पाया, उनका बेटा होते हुए पर इस मशीन ने उनको ठीक कर दिया, एक बहुत बड़ी बात है। हर
माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है अपनी औलाद से कि ये कुछ बनेगा और हमें एक अच्छी जिंदगी देगा, पर वो अच्छी जिंदगी लेते लेने लेने के चक्कर में वो खुद ही ऐसे बन जाते हैं उनकी बॉडी की वो बुढ़ापा अच्छा जी नहीं सकते, बुढ़ापा अच्छा जी नहीं सकते। उस समय उनके दिमाग में जो सारी साल सारी उम्र की जो मेहनत होती है वो एक बात बोलते हैं कि सारी उम्र हमने आपके लिए कमाया और अभी हमें क्या मिला, तो वो कुछ भी नहीं मिला, बीमारी मिली उसके साथ मर जाना है। पर इस मशीन ने, ये कैसे डिवाइस है जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो माँ बाप है उनको एक नई जिंदगी दे सकता है। यदि हमारे अंदर थोड़ी सी भी अपने माता पिता को लेकर है तो वो जरूर इस पॉइंट पे सोचेंगे कि हम जो नहीं कर सकते वो एक डिवाइस कर सकता है। ये इस डिवाइस की ताकत है जो मैंने महसूस करी है। मेरे पिताजी को 40 साल से अस्थमा था और वो उनका 11.5 pH दूसरा इस मशीन के अंदर पानी निकलता है, उस pH से वो अस्थमा का जो इनर रन लेते थे वो भी ठीक हुए हैं। और मम्मी को माइग्रेन और गठिया बिल्कुल ठीक हुआ है। एक हिसार वाली मीटिंग में आई थी, सब लोगों ने देखा था, वहां थी हिसार वाली मीटिंग में, मेरी मम्मी खुद चल के आई थी, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो बॉडी पे काम किया। तो ये पानी मिरेकल है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हम विश्वास ही नहीं करेंगे हम संभावनाओं में रहेंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यदि हम यही सोचते रहेंगे तो हमें एक दिन लेनी तो है, जब ज्यादा दिक्कत हो जाएगी तब लेंगे, यदि आज ही हम ले लेंगे तो बहुत ही हमारे लिए बढ़िया होगा। एक सही समय का चुनाव होगा कि सही समय पे हमने सही प्रोडक्ट को चुना है। दूसरा, मेरे ऊपर इसका जब रिजल्ट मिला तो मैंने एक वादा किया था मंजीत जी से, यदि इस प्रोडक्ट का मेरे घर में रिजल्ट आएगा तो मैं इस प्रोडक्ट को जहां तक मेरी पहुंच है वहां तक मैं पहुंचा दूंगा। तो उसी मिशन में मैं निकल चुका हूं। 10 लाख रुपए का मेरा पैकेज था, 10 लाख रुपए का पैकेज था, मैं पीए इंडस्ट्री में सीनियर ट्रेडिंग मैनेजर था। उस पोस्ट से रिजाइन करके मैं पिछले महीने और इस मिशन में निकल चुका हूं कि हजारों फैमिली तक हमें कैंगन पहुंचाना है।